तुम चुनाव एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक खिलाड़ी सब पे भारी मिनी इंडस्ट्री खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार के फिलहाल टू के बारे में। वेल फ्रेंड्स, जब से फिलहाल टू की अनाउंसमेंट हुई, फिलहाल टू की शूटिंग शुरू हुई, जितने भी अक्षय कुमार के फैंस हैं उनके मन में बस यही सवाल था कि आखिर फिलहाल टू रिलीज होगी तो कब होगी। एंड गाइज, आई हैव गॉट बिग न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। अक्षय कुमार हैज जस्ट अनाउंस्ड दैट फिलहाल टू इज कमिंग सून। और फ्रेंड्स, पिछले ऑलमोस्ट 20-25 दिन से बॉलीवुड ठंडा पड़ा था, क्योंकि द वॉकिंग मशीन ऑफ बॉलीवुड, वो इंसान जिसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री का जो चक्का था उसको चलते हुए रखा, ही डिड नॉट लेट दिस इंडस्ट्री, द बॉलीवुड इंडस्ट्री स्टॉप इवन फॉर अ माइन्यूट सेकेंड। ही शॉट 3 फिल्म्स, यस मेरा भाई, ही शॉट अ कंप्लीट फिल्म कॉल्ड एज बेल बॉटम, ही शॉट फॉर अ फुल फिल्म कॉल्ड एज पृथ्वीराज चौहान, एंड गाइज ही शॉट फॉर अ फुल फिल्म कॉल्ड एज बच्चन पांडे। 3 पूरी पिक्चर अलोंग विथ अतरंगी रे, 4 पिक्चर शूट करना इस महामारी में कोई हलवा नहीं है। इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया इंडस्ट्री के लिए, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया इंडस्ट्री के लिए, इन्होंने रोजी रोटी जनरेट की इंडस्ट्री के लिए, हमारे इंडस्ट्री के जितने लोग हैं उनको काम पर रखा जहां पर बाकी लोग सेट्स पर जाने के लिए तैयार नहीं थे, अपनी फिल्मों के अनाउंसमेंट करने के लिए तैयार नहीं थे, वहां पर खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार ने बॉलीवुड की जो इज्जत है वो बरकरार रखी बाय मेकिंग ओरिजिनल कंटेंट। एक्सेप्ट बच्चन पांडे, जितनी भी उनकी फिल्में उन्होंने शूट की है, चाहे वो बेल बॉटम हो, चाहे वो पृथ्वीराज हो, चाहे वो यू नो अतरंगी रहे हो, सारी की सारी ओरिजिनल फिल्म्स थी। एंड गाइज, अक्षय कुमार जो के भगवान की कृपा से एंड फैंस की दुआ से आज ठीक हो चुके हैं। यस फैंस, पिछला 20 दिन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही सुनसान रहा है। अक्षय कुमार कहाँ है, कोई अपडेट नहीं, क्योंकि अक्षय कुमार हर 3-4 दिनों में अपडेट देते थे। फैंस की भारी मात्रा में रिक्वेस्ट आती थी कि वेयर इज अक्षय कुमार, अक्षय कुमार की अपडेट दीजिए। देखिए गाइज, जब तक वो बीमार थे तब तक कोई अपडेट थी नहीं, एंड अक्षय कुमार इज बैक विद अ बैंग। एंड गाइज, अब जो चीज है, कहते स्टेक्स आर वेरी हाई, दिस सॉन्ग इज नॉट अ सॉन्ग, इट्स अ लेजेंड, पीपल एक्सपेक्टिंग 1 बिलियन प्लस फ्रॉम फिलहाल। क्योंकि गाइज, ये जो गाना है ये कोई मामूली गाना बचा नहीं है, लेजेंडरी गाना है। ये गाना फास्टेस्ट टू 200 मिलियन व्यूज था अपनी इंडस्ट्री का, 13 दिन 9 घंटों में इसने टच किया था। इसके दूर दूर तक कोई भी इसके रिकॉर्ड तोड़ने वाला नहीं है। फिलहाल हैज ब्रोकन एवरी पॉसिबल रिकॉर्ड, एंड गाइज इसीलिए इसकी जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाती है। लेकिन गाइज, जिस डायरेक्टर ने इस गाने को डायरेक्ट किया वो अब ऐसे मुकाम पर खड़ा है कि उसका हर गाना जो आ रहा है वो सोना बन रहा है। यस फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अरविंद खेरा, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, वो गाना हो, ओए होए 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 यार मेरा तितलियां वर्गा, उसके बाद सोनू सूद का साथ एक गाना था, उसके गुरु रंधावा के साथ एक गाना था, उनका हर एक गाना ब्लॉकबस्टर जा रहा है। एंड अब अरविंद खेरा जब अक्षय कुमार को डायरेक्ट करेंगे गाइस, एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट होगी। अक्षय कुमार ने आज ही अभी फिलहाल हॉट एंड फ्रेश ट्वीट किया है, द वेट इज ओवर, ये दोनों जो ब्रेसलेट्स थी यानी कि जो लॉकेट्स थी जो हार्ट्स की हम स्क्रीन में देख सकते हो, टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर, वहां पर लिखा है कमिंग सून। अक्षय कुमार ने लिखा है पेशेंस इज अ वर्च्यू बट इन दिस केस इट्स अ स्वीट स्वीट मेलेडी, यानी कि आपने बहुत इंतजार किया, द वेट इज ओवर कमिंग सून। लेकिन कमिंग सून मतलब क्या, क्या अप्रैल में? नहीं मेरा भाई, मई में 50-50 जून तक ये गाना रिलीज होगा। एंड अब थोड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज की बारी, जितने भी अक्षय कुमार के फैंस हैं, क्योंकि मैंने आपको वादा किया था जब भी आएगा इसी एक्सक्लूसिव न्यूज में आपको दूंगा। देखिए गाइस, जो गाना है फिलहाल टू का वो अभी फिलहाल शूट हुआ है बिफोर द क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स इस गाने का अभी तक शूट नहीं हुआ था। यहाँ पे मलाड में शूट हो रही थी, बैक रोड पे बहुत भीड़ हो गई, उस समय कोविड का भी टाइम था, इसलिए तब तक की शूटिंग की है लोगों ने, दिल्ली में शूटिंग थी उतना तक की है। जो क्लाइमैक्स है, इसके जो मेकर्स है, जितने भी लोग म्यूजिक में इन्वॉल्व है, इसके डिजिटल टीम में इन्वॉल्व है, सारे लोगों ने मल्टीपल क्लाइमैक्स डिजाइन किए हैं यहाँ पर फिलहाल के लिए। यस फ्रेंड्स, फिलहाल जो गाना है पार्ट टू, उसमें बहुत सारे क्लाइमैक्स शूट होंगे। अब किसी में अक्षय कुमार को प्यार मिल सकता है, किसी में अक्षय कुमार को प्यार नहीं मिल सकता है, किसी में कोई मर सकता है, अब क्या है ये पता नहीं। तो मेकर्स विल शूट मल्टीपल क्लाइमैक्सेस। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि फिलहाल का अंत क्या होना चाहिए, क्या अक्षय कुमार वापस से रीयूनाइट हो जाए नुपुर सैनन के साथ, क्या नुपुर सैनन अक्षय कुमार के पास नहीं जाएगी,
क्या अक्षय कुमार नुपुर सारण में किसी एक का देहांत हो जाएगा या फिर एक हैप्पी एंडिंग होगी, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके गाइस, आपके दिल में क्या है इसकी एंडिंग, जरूर इस कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मेकर्स अभी फिलहाल प्लान कर रहे हैं टू मेक मल्टीपल एंडिंग्स फॉर फिलहाल टू। ये गाना नहीं, ये इवेंट होने वाला है, तो उसका इंतजार कीजिए। मे एंड या तो जून फर्स्ट वीक में गाना आएगा, अभी फिलहाल नहीं आएगा, लेकिन दे माइट यू नो छोटी सी टीजर रिलीज कर दे इन द मंथ ऑफ मे, छोटा सा। ओके गाइस, आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, ये गाना डेफिनेटली गाइस 1 बिलियन अपनी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गाना होने वाला है, वॉच आउट, क्योंकि इसमें बी पराग है जो एक अलग लेवल की ऊंचाइयां छू ली है। इसमें आई एम साइनिंग ऑफ, वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।